फोकस करें कि ऊषा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है इसका महत्वपूर्ण ओ मीन ऑक्यूपेशनल एस फॉर सेफ्टी एच फॉर हेल्थ ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है एक एजेंसी है ऊषा एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर मजदूर की कांग्रेस की बनाई एक एजेंसी है ये ऊषा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट के तहत बनी है ये ओश के तहत बनी है कानून जो है एक एक्ट के तहत बनी है जिसका मकसद वर्कर की हेल्थ सेफ्टी को यकीनी बनाना है और ट्रेनिंग एजुकेशन असिस्टेंस देना है और मेयार को यकीनी बनाना है हेल्थ सेफ्टी के वर्कर के मेयार को बेहतर बनाना है वर्क प्लेस में और ये कांग्रेस की बनाई हुई एक एजेंसी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट के तहत बनी है और ये ऊषा एक एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लेबर मजदूर की कांग्रेस ने बनाई है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्ट के तहत तो की वही होगी ये सब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से ही मुतलका है ऊषा आयोश निबोश ओश और ओश एक्ट और ओशा वगैरह ये सब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ ही से डील करते हैं बस फर्क ये कुछ यूके ने बनाई है कुछ अमेरिका ने बनाई है एजेंसीज हैं कानून हैं और बोर्ड हैं जो एग्जाम लेते हैं सिलेबस तैयार करते हैं और एजेंसीज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतलका हैं इंस्टीट्यूशन हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से ही डील करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ हैं मुख्तलिफ अदारे हैं मुख्तलिफ नाम हैं मकसद एक ही ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से मुतलका ही शुक्रिया